हाय फ्रेंड्स, मैं शहजाद अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वोटर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें टाइप करना है वोटर हेल्पलाइन। टाइप करने के बाद उसको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे एक एप्लीकेशन नज़र आएगा वोटर हेल्पलाइन का। इस एप्लीकेशन का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली ओपन करेंगे। हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, डायरेक्टली ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस ऐसा आएगा। इसमें आपको एक ऑप्शन है एक्सप्लोर का, तो इस एक्सप्लोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें आ रहा है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन रिसाइडिंग इन इंडिया। इसमें अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ से करेंगे, और ओवरसीज वोटर रजिस्ट्रेशन पर करेंगे अगर इंडिया से बाहर कहें तो आप यहाँ से इंडिया पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक और ऑप्शन आएगा, माय नेम इज वोटर मित्रा, आई एम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद लेस्ट स्टार पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें आपको एक मोबाइल नंबर देना है जो अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ठीक है, देखिए ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ से ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आ रहा है यस आई एम अप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास है कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यस पर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आई एम एन सिटीजन, यस एन इंडियन सिटीजन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे इसमें आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे बिहार। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ आईडी से देकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चेक कर लेता हूँ जिस आईडी आदमी का अप्लाई कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, चेक करके फिल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया। उसके बाद सिलेक्ट द बर्थ डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, यहाँ से सिलेक्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे मैं पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गैलरी में जाकर देखेंगे पैन कार्ड कहाँ है और वहाँ से अपलोड करेंगे। जैसे ये पैन कार्ड है, उसके बाद अपलोड करेंगे, यहाँ पे अटैच हो गया। उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अपलोड योर रेवलेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड ऐसा कुछ दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। तो मैं आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको अपलोड पिक्चर का ऑप्शन आएगा, यहाँ से पिक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नाम लिखेंगे, तो नाम देकर मैं टाइप कर देता हूँ। जैसे ही इंग्लिश में टाइप करेंगे हिंदी में डायरेक्टली आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया है, ईमेल आईडी फिल करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे इंटर द नेम ऑफ रिलेटिव, यहाँ रिलेटिव पर का नाम दे सकते हैं और उनका ईपिक नंबर भी दे सकते हैं, तो मैं टाइप कर देता हूँ।
टाइप करने के बाद यहाँ पे आ गया आपका हिंदी में, उसके बाद यहाँ से ईपिक नंबर टाइप करना है, तो मैं टाइप कर देता हूँ। ईपिक नंबर टाइप करने के बाद यहाँ से रिलेशन टाइप चूज करेंगे, तो रिलेशन टाइप मैं चूज कर देता हूँ। उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको एड्रेस एंटर करने का ऑप्शन आएगा, तो मैं एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पे एरिया डाल देता हूँ। विलेज डाल देता हूँ। इसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पे टाइप करना है। पोस्ट ऑफिस टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड एंटर करना है, तो पिन कोड भी एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एरिया टाइप करना है, सिटी है या विलेज है, ठीक है, टाइप कर दिया। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद असेंबली सिलेक्ट करना है, जैसे असेंबली में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। असेंबली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एड्रेस प्रूफ के लिए, ठीक है। एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो यहाँ पे मैं पासबुक अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ से बैंक पासबुक मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से 18 प्लस यहाँ पे डेट टाइप करना है, ठीक है। तो आज का डेट टाइप कर सकते हैं, ऐसा जब अप्लाई कर रहे हैं उसका डेट टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखना है, फिर से और यहाँ पे प्लेस टाइप करना है, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। और डायरेक्टली टाइप करने के बाद डन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉर्म 6 प्रीव्यू न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुल जाएगा, जो कि 5 मिनट का होगा। इसमें ये सेकंड चल रहा है, इसमें आप फिर से एक बार चेकआउट कर सकते हैं जो जो डिटेल्स डाले हैं वो सही है या नहीं है। चेक करने के बाद अगर सभी सही है तो कन्फर्म करेंगे, ठीक है। जैसे ही कन्फर्म करेंगे आपका वोटर आईडी कार्ड अप्लाई हो जाएगा और ये थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, एप्लीकेशन का ये अप्लाई हो चुका है और रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप बाद में फिर से पता कर सकें कि ये कब तक बनकर आएगा, ठीक है। तो आप अप्लाई करने के बाद 1 महीना 15 दिन ऐसे चेक कर सकते हैं इसका प्रोसेस क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।